सर अगर आपको लग रहा है कि ये तो कोई घरेलू मसला हो सकता है, इसके अलावा जो इतने बड़े इशू उठे हैं उनमें से भी कोई ऐसा ही है, अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा रीजनल मामला है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक कॉल पे आपके इस इलाके की जीनत बन सकता हूँ, उसका जो भी रीजन होगा मैं वो आपके सामने करूँगा। असल में मैं इस केस को जो सांगरा हिल की जो चप्पल है मैं काफ़ी दिनों से ट्रेस रहा था, मीडिया जब वो मीडिया पे ऊपर आती है, नेट के ऊपर आती है इनकी जो वीडियो मैं देख रहा था, मगर मैं सोचता था कि कब वक्त आएगा कि कोई मुझे उधर जाने का या बुलाने का जाने का मुझे मौका मिलेगा। आकर इन लोगों ने मुझे बुलाया, ठीक है, जब मैंने इनसे पूछा तो इन लोगों ने वही काम बताया जो कि ऐसे हुआ उसके बाद डाइया है वो ढाई मिनट में सारा काम कर जाता है सारा कुछ। फिर मैंने इसकी वाइफ को मिला, वो तीन चार लोग मेरे साथ गए, मैंने उनसे बात की है तो उन्होंने भी मुझे वही बात बताई जो आप पहले से समाप्त करते आ रहे हैं। फिर मैंने जनाब वो जो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो तरीका है फार्मूला है जो अमलियात का, मैंने उस अमलियात का जाल जब फेंका तो इसकी बीवी ने मुझे पहला जो लफ्ज़ कहा कि भाई मैं आपसे अलहदगी में बात करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने जो कुछ लोग साथ थे तो मैंने एक शीशा लगा हुआ था तो मैंने कहा आप शीशे के उस तरफ चले जाएं ताकि उधर से हमें लाइव देखते भी रहें। तो सबसे जो पहली मीटिंग का जो गुफ्तगू का अंदाज था तो इसकी बीवी का ये था, इसने ऐसे हाथ जोड़े और मुझे कहने लगे कि भाई मैं आपके जाल से बच ना सकी। प्लान तो हमारा मियाँ बीवी का बहुत हावी किस्म का था मगर अफसोस के अब हम पकड़े गए। तो फिर जनाब जो जो जैसे जैसे इन लोगों ने प्लान बनाया जो इनका रीजन था जो ये हासिल करना चाहते थे, बस क्या कहते थे वे ये खुड्डे में रहते थे बिल्डिंग हासिल करना चाहते थे वो खुड्डा भी गिरा बैठे। अब इनके हवालात या जेल की हवा है और कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी रीजनल केस नहीं है, बिल्कुल कोई रीजनल नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा शक है तो अभी अभी हम मुझे